नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम में, डॉक्टर रजनीश शर्मा जी। आप MD मेडिसिन हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि आप मेडिकल फील्ड में होते हुए भी आध्यात्मिकता से बड़ा प्यार है आपका। तो आध्यात्मिक जो शिखर सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर, आज आखिरी दिन है उसका, तो आपने 3 दिन लगातार इस कार्यक्रम को अटेंड किया है और आज आप सभी रेडियो लिसनर के साथ रूबरू होने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर रजनीश शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मन प्रसन्न है, हर्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आबू रोड पे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में यहाँ का वातावरण इतना पावन है जी, और हर तरफ ये जो मुस्कुराते चेहरे इन पेड़ों की जैसे प्रकृति जैसे स्पंदन करती है, हवा का जैसा झोंका है, ऐसे मुस्कुराहट यहाँ पे हर तरफ बिखरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ शिखर सम्मेलन में जिस तरह से एक विश्व शांति का अग्रदूत भारत इस विषय को लेकर बातें हो रही हैं और इस विषय को लेकर सभी गणमान्य व्यक्ति जो विशेष उपस्थित थे मंच पर, उन्होंने भी अपने विचार रखे, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए कि पहले दिन से जो यात्रा शुरू हुई वो कैसा रहा। इस प्यार भरी दुनिया में, इस उत्साह भरी दुनिया में जो कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की दुनिया है जी, इसमें आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूँ और हम सब भारत देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी। यहाँ पर आकर वास्तव में लग रहा है कि आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वास्तव में अमृत का पान हो रहा है और हर व्यक्ति के दिल में काफ़ी उत्साह है। हमारे देश ही नहीं, पड़ोस के देश नेपाल से भी पूरी कल्चरल टीम यहाँ पे आई हुई है, इंदौर से टीम आई हुई है, बॉम्बे से टीम आई हुई है। तो ये लोग जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने स्व प्रेरित होकर जो ये कार्यक्रम बनाए हैं वो मन को हर्षित कर देने वाले हैं। अब मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा जी, अगर आपको भी इस जीवन का आनंद लेना है, इस प्रभु कृपा ने आपको एक मनुष्य के रूप में जीवन यहाँ पर धरती पे दिया है और इस धरा पे आप हैं, तो आपके अधरों पे हमेशा मुस्कान रहे। क्या बात, सभी के लिए एक प्यारा सा गान रहे। बहुत बढ़िया, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आंखें बंद करके प्रभु को अपने पास पाएं, अपनी सारी परेशानियां, तनाव, समस्याएं, कुछ आपको लगता है मैं कर लूंगा, कुछ होता है कि मेरे से होंगी ही नहीं, पर आपने आंख बंद कर लिया है, प्रभु का स्मरण कर लिया है, आपके जिस इष्ट देव को आप मानते हैं आप स्मरण कर लें, आंखें बंद कर लें और देखिए आपका जैसे मोबाइल कनेक्शन होता है, आपका कनेक्शन ये देखो चालू हो गया है। अब आप प्रभु के साथ बैठे हैं, अपने सारे तनाव समस्या उन्हें दे दीजिए, ये देखो वो ले रहे हैं। अब जब आप अपनी ये सारी समस्या उनको दे देते हैं तो आपके खजाने में अब कुछ तनाव तो रहा ही नहीं, शांति ही है, प्रसन्नता ही है। अब आप उस परमात्मा से बिना कुछ मांगे ही जब उसके सानिध्य में हैं तो आपको इतना अच्छा अनुभव हो रहा है कि अब आप अपने शरीर के लिए सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ। अगर आपका तन स्वस्थ होगा तभी आपका मन स्वस्थ होगा, तभी आपके द्वारा किए गए सभी कार्य उचित और स्वस्थ प्रतीत होंगे। स्वस्थ तन की उसके लिए आप अपने सीधे बैठ जाएं और मूलाधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक अपन ये सोचते रहेंगे कि मैं अब प्रभु के साथ बात कर रहा हूँ और उसका नाम लेके जो आपने राजयोग सीखा है उस हिसाब से अपनी यात्रा प्रभु के साथ करें। जब आप 2 या 3 मिनट का ये कर लेंगे तो आपके मन में बड़ी ऊर्जा आ जाएगी, आपका तन प्रफुल्लित हो जाएगा और तब आप अच्छे काम, अच्छी बातें, अपने परिवार का ध्यान, अपने समाज का ध्यान, अपने देश का ध्यान और अपने मानवता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित पाएंगे और पाएंगे अपने जैसे ही वो लोग
क्योंकि जब लोग रहते हैं वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अभी यहाँ पे हैं तो सब जैसे सत्संग वालों की दुनिया में हैं। जिस तरफ देखेंगे हर आदमी या तो योग क्रिया कर रहा है सुबह उठते ही यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जी, आप प्रातः उठेंगे तो आपको आपको स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पे योगिक ऐसी सिंपल क्रियाएं दिखाई गई हैं जिनको देख के लगता है कि हम अपने शरीर को तो स्वस्थ रख ही लेंगे, पर अपनी जो कुछ व्याधियां हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को सांस की समस्या थी, वो भी यहाँ पे हमारे जो योग गुरु हैं वो बता रहे हैं और हंसी हंसी में आपकी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। एक चिकित्सक के नाते मैं रमेश जी आपसे भी मुखातिब हूँ कि हमारे चिकित्सा जगत में भी एक बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही बात है। तो कई लोग सोचते हैं कि चिकित्सक जो हैं वो केवल चिकित्सा करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान स्टेट का रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और राजस्थान के डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जनता की सेवा के लिए। बहुत सुंदर। तो उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर कभी भी कोई व्याधि होती है तो वो है कि हमारा शरीर एक पूरी जो ढंग से संरचनात्मक भगवान ने बनाया है, एनाटॉमिकल बनाया है, फिजियोलॉजिकल वो काम करता रहता है, लेकिन अगर हम उसके अनुरूप काम नहीं करते हैं तो उसके अंदर पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है, मतलब विकार डेवलप हो जाते हैं। अब उसके अंदर है कि जब अगर हमने विकार डेवलप किए, अगर हम उसको पैथोलॉजी की जगह अगर फिजियोलॉजी सही कर लें, अपनी दैनिक दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, खान पान अगर हम सही कर लेंगे, तो आप मान के चलिए जो आप मेरे साथ इस समय रेडियो पे मुखातिब हैं जी, कि आपकी एनेटॉमी, आपके शरीर की संरचना सही हो जाएगी और आप अपनी ऊर्जा से जैसे अपनी युवावस्था में काम करते थे वैसे आप काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद आवश्यकता पड़ती है फार्मा की या दवाइयों की। तो दवाइयों की बात तो देखो कितने बाद में हो रही है, वो तो ये कि अगर हम सचेत नहीं है तो दवाइयों की बात हो रही है, बात हो रही है। तो ये एक बात है। दूसरा, अब आजकल के युग में जी, कुछ बीमारियां बैक्टीरियल होती हैं तो जिनके लिए हम चाहे वो थूक से हो, चाहे खून से हो या पेशाब, जो भी हमारे उत्सर्जन की चीजें हैं हम उनसे, या कहीं पे पस पड़ जाती है तो उनके उत्सर्जन की चीजों से हम उसको कल्चर के लिए भेज देते हैं, कीटाणु का नाम पता चल जाता है, उसके लिए उपयुक्त दवा दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से इलाज कर देते हैं। फिर आजकल वायरस जनित बीमारियां हैं, जैसे हम पहले स्वाइन फ्लू से डर गए थे, बिल्कुल, फिर अभी कोरोना की बात थी, कोरोना के टाइम में था क्या, और वायरल फीवर और भी जितने हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वायरल फीवर में सभी जानते हैं स्पेसिफिक दवाइयां नहीं होती, हम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को अगर मजबूत कर देते हैं, तो वो वायरस से लड़ लेती हैं, क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो उनसे लड़ रही हैं। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख के इम्यूनिटी सही रखेंगे तो वायरस को पहले तो शरीर में आने नहीं देंगे, और आएगा तो उसको पहले उसका जाने का इंतजाम कर लेंगे। क्योंकि हमारे खान पीन में जो भारतीय परंपराओं में है, अगर हम भारतीय माताओं की रसोई देखेंगे तो रमेश जी आप पाएंगे कि हम चाय पीते हैं तो अदरक आ जाती है, मौसम पलटता है तो काली मिर्ची आ जाती है, तुलसी पत्ता आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे खाने के अंदर विभिन्न प्रकार के ये जो मसाले आदि हैं, चाहे वो हल्दी से बात करेंगे, चाहे धनिया से बात करेंगे, हम किसी भी चीज की बात करेंगे, तो ये हमारे जीवन में, भारतीय जीवन में समाई हुई हैं। और अगर हम इनको चीजों का एक समन्वय है समय के हिसाब से, जैसे बारिश में कहते हैं कि भाई ये हरी सब्जियां नहीं खानी क्योंकि उसमें कोई वर्म्स आ सकते हैं, वो थोड़े से कीड़े लगने से उनके पत्ते आदि चीजें खराब हो सकती हैं, तो हमारी रसोई के अंदर जो हमारी माताजी बैठी हुई है ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है बिल्कुल परफेक्ट है, कि वो आपके लिए डॉक्टर भी घर में है। लोग कहते हैं ना कि माता प्रथम गुरु होती है, या अपने घर में जो रसोई है अपनी पत्नी बहन ये सभी संभाल सकती हैं, तो जो नारी की मैं बात कर रहा हूँ वो इस मामले परफेक्ट है, वो गुरु है तो घर की डॉक्टर भी है। तो ये बात अभी मैंने इसके बारे में बताई। और कोरोना के बारे में जब बात चली तो कोरोना के लिए अगर लोग ग्रसित हुए हैं तो जैसे मैंने बताया, हमारी एनाटॉमी तभी बिगड़ी है जब हमारी फिजियोलॉजी बिगड़ी है। हमने अगर अपना रहन सहन सही नहीं किया, हम भीड़ भरे रस्तों में कहने के बावजूद जाते रहे, हम रैलियों में जाते रहे, हमने मास्क नहीं पहना, हमने दो गज की दूरी नहीं बनाई, हमने अपने हाथ साफ नहीं किए, हम सांस से सांस किसी से टकरा रहे हैं, जल्दबाजी में हम खुद भी बीमारी से
ग्रसित हो रहे हैं, दूसरे को भी एक्सपोज कर रहे हैं। तो अगर हम इन सब चीजों से बच गए होते तो भाई उस COVID-19 वायरस के पास कोई स्कूटर नहीं है, साइकिल नहीं है, वो आपके पास आ कैसे जाता है? आता तो हवा से ही है। तो आप वो बैरियर अपना लें और उससे कोविड से अपन बचाव करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्र जो सुन रहे हैं उन सभी को भी बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपने इसमें किसी भी तरह का जो है नेचुरल चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर किया है जो हमारे आसपास हैं और जिनको हम कर सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए जिस शांति शिखर के हम लोग ने इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब आए हैं, एक बहुत ही प्यारा सा शांति का गीत हो जाए, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से रूबरू होते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। ठीक है, शांति का आएगा जब सवेरे